गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिव धात्री और सुधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार अनेक रूपों में भगवती भक्तों की मनोकामना परिपूर्ण करती है। मनुष्य को उनकी आराधना उनके अनेक रूपों में करनी चाहिए। भक्तों को बारंबार नमस्कार करना चाहिए। आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नींबू का एक उपाय हम आपको बताने वाले हैं। आज के दिन हम आपको बताने वाले हैं माता भद्रकाली की उपासना आपको किस प्रकार करनी है, 6 जून को रात्रि को आपको क्या अद्भुत उपाय करना है। सनातन धर्म में आने वाले हर व्रत का अपना अधिक महत्व होता है। उन्हीं तमाम व्रतों में से एक है माँ भद्रकाली का व्रत। हिंदी पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को माँ भद्रकाली का प्रकट्य दिवस मनाया जाता है। कथाओं के अनुसार माँ भद्रकाली इसी दिन शिव जी के बालों से प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि भद्रकाली का जो जन्म हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था कि पृथ्वी के राक्षसों का संहार करना। माँ काली की उपासना करने वाले भक्तों का इस दुनिया में कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। माँ काली की कृपा के आगे किसी शैतान का जोर नहीं चलता, क्योंकि माँ काली ही महाशक्ति स्वरूप है। इसीलिए अगर आप खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं तो चलिए अब हम आपको बताते हैं खुद को सुरक्षित करने के लिए विशेष प्रयोग, जिनको करके आप माँ काली के अभय दान का वरदान पा सकते हैं। माँ काली के अनेक रूप हैं, जिनमें से प्रमुख दक्षिण काली, शमशान काली, मातृ काली, महाकाली, श्यामा काली, अष्टकाली और भद्रकाली आदि अनेक रूप हैं। सभी रूपों में अलग अलग पूजा और उपासना पद्धति है। आइए जानते हैं भद्रकाली क्या है और क्या है इनका अनोखा अद्भुत मंत्र। भद्रकाली माँ काली का शांति स्वरूप है। इस रूप में माँ काली शांत है और वरदान देती है। आमतौर पर आपने देखा होगा प्रत्येक एकादशी के दिन भगवान शिव की पूजा होती है, परंतु इस दिन भगवान शिव के साथ माँ भद्रकाली की भी पूजा की जाती है तथा व्रत आदि रखे जाते हैं, जिससे व्यक्ति को जीवन में किए गए पापों से मुक्ति भी मिलती है। इसके अलावा इस व्रत को करने से प्रेत बाधाओं से भी राहत मिलती है तथा धन धान्य की कमी दूर होती है। इसके अतिरिक्त अपरा एकादशी के दिन भद्रकाली माता भगवान विष्णु के साथ साथ वामन अवतार की रचना की जाती है। कुरुक्षेत्र में महाभारत में जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध से पहले श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी माता रानी की आराधना की थी, माँ भद्रकाली की आराधना की थी और विजय प्राप्त की थी। आज का दिन बेहद उत्तम है, माँ काली की उपासना के लिए बहुत ही शुभ है। 10 महाविद्याओं में से एक माँ काली की पूजा उपासना बहुत ही सिद्धि मानी जाती है, शक्तिशाली मानी जाती है। शक्ति की देवी है माँ काली। माँ भद्रकाली की उपासना से सभी तरह के भय और संकटों से छुटकारा मिलता है, साथ ही रोगों से भी मुक्ति मिलती है। इस एकादशी पर उपवास करके भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। उसी प्रकार इस एकादशी पर माँ भद्रकाली की उपासना करने से भूत प्रेत बाधा जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, जिस किसी ने भी आपको बांध कर रखा है, उन सभी बंधनों से आप छूट जाएंगे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। भद्रकाली यह देवी काली का तीसरा नाम है। हमेशा याद रखें कि संस्कृत शब्द का हर अर्थ मायने रखता है। भद्रा का अर्थ है सुरक्षा और काली का अर्थ है सुरक्षात्मक रूप। जब पार्वती ने शिव के कंठ के विष की शक्ति को नष्ट किया था तो वहाँ भद्रकाली के रूप में ही किया था। इसलिए एक मान्यता यह है कि भद्रकाली रंग में काली नहीं बल्कि गहरे नीले रंग की होती है। भ का अर्थ है भ्रम, द्र का अर्थ है मिटाना, भद्र का अर्थ है माया का नाश करने वाली। माँ भद्रकाली आपको अपार ज्ञान देती है। यह रूप आप पर हमला करने वाली सभी प्रकार के जहरों को दूर करती है। मन, शरीर, परिवार, समाज और किसी भी चीज जो आपको दर्द देती हो, जो आपको नुकसान पहुंचाती हो, माँ की आराधना से कोई भी आपको छू नहीं पाएगी। हम आपको केवल 3 उपाय बताने वाले हैं और 3 उपायों में से सबसे ज्यादा उत्कृष्ट प्रभावशाली जो उपाय है वो है नींबू वाला उपाय। माँ काली की उपासना करके उन्हें प्रसन्न करके दुष्टों पर विजय हासिल की जा सकती है। कैसे रोगों से छुटकारा मिल सकता है,
कैसे कर्जों से बचा सकता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर रात को सोते समय आपको भूरे सपने आते हैं या घर में भूरी आत्माओं का साया है, तो उनसे बचने के लिए आपको क्या करना है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको किसी ने बांध रखा है, या आपके घर पर किसी की भूरी नज़र पड़ चुकी है, या आपके घर में किसी भूरी शक्ति का साया है, तो रात को सोते समय आपको क्या करना है, इसी एकादशी के दिन यानी कि 6 तारीख के दिन आप रात को सोते समय सबसे पहले माँ भद्रकाली को याद करें। माँ भद्रकाली को याद करते हुए आपको एक लोटे में पानी पूरा भर लेना है, उसके ऊपर एक तासक रखनी है और उसके ऊपर आपको एक दीप प्रज्वलित करना है और 2 धूप बत्ती आपको वहाँ पर लगानी है। साथ ही माँ काली के मंत्र का उच्चारण करना है आपको, ओम भद्रकाली महाकाली किली किली फट स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है और रात में सोते समय आप जहाँ कहीं भी सो रहे हैं तो वहाँ पर ये लोटा आप पास में रख करके सोएं, और सोते समय भी माँ भद्रकाली के नामों का आपको स्मरण करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि जो भी बुरी शक्ति जो भी मेरे जीवन में प्रवेश कर चुकी है उसका नाश करो माँ। अगर आपको किसी प्रकार का मानसिक तनाव हो, कलह हो, परेशानी हो, तो आप इस दिन क्या करेंगे, आपको क्या करना है, 11 दिनों तक लगातार आपको इस दिन से काली माता के मंदिर में जाना है। माँ काली को नारियल, गुड़हल के लाल पुष्प, कुमकुम, अक्षत और लाल वस्त्र अर्पण करना है। साथ ही दूध से बनी कोई भी मिठाई आपको माता रानी को चढ़ानी है। सभी प्रकार की आपकी समस्याओं को दूर करने में सक्षम है माँ काली। माँ काली की शक्ति का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर हमने माँ को प्रसन्न कर लिया ना, तो हमारा जीवन इतना उत्कृष्ट और पावन बन जाएगा और बाधाओं रहित बन जाएगा। आइए जानते हैं आज का सबसे उत्कृष्ट उपाय। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जितने भी आपके दोष हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको एक साबुत नींबू के ऊपर काली शाही से, ध्यान रखें, आपको एक नींबू के ऊपर काली शाही से 307 नंबर लिखना है। और जो भी रोगी है जिसे भी कष्ट हो रहा है उसके ऊपर उल्टा, ध्यान रखें, उल्टा आपको 7 बार उतारना है। अब आपको उस नींबू में 4 चीरे लगाना है। ध्यान रखें, 4 चीरे ऐसे लगाएं कि नींबू कटना नहीं चाहिए, नींबू आधा नहीं होना चाहिए। 4 कट आपको उसके ऊपर लगाने हैं, 307 नंबर जहां पर लिखा है उसके ऊपर ही आपको कट लगाने हैं। ध्यान रखें, नीचे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। फिर उस नींबू को आपको घर के बाहर कहीं निर्जन स्थान पर फेंक देना चाहिए। ध्यान रखें, कहीं पर ऐसे सुनसान इलाके में आपको वो नींबू फेंकना है। इससे हर तरीके से आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी और आपके ऊपर माँ काली का आशीर्वाद बना रहेगा। बस ध्यान रखना है, जिसने भी उस नींबू को उतारा है 7 बार, उसे ही ये नींबू फेंक करके आना है। और जो भी रोगी है जिस पर भी उतारा किया गया है, ओम भद्रकाली महाकाली किली किली फट स्वाहा का जाप करना है। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये नमो नमः। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।